नमस्ते दोस्तों, फिर से आपका एक बार स्वागत है। आज हम बात करेंगे पेट दर्द और सीने में दर्द, चेस्ट में दर्द, फंक्शनल टाइप, उसके बारे में। तो मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसनमुक्तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। काफ़ी लोगों को फंक्शनल एब्डोमिनल पेन होता है। फंक्शनल एब्डोमिनल पेन, इसका मतलब पेट में दर्द। और वो पेट में दर्द एक तो खाना खाने के बाद में होता है, कुछ लोगों को खाना खाने के पहले होता है, कुछ लोगों को लैट्रिन के बाद में होता है या लैट्रिन के पहले होता है, या कुछ महिलाओं को मासिक धर्म जो है मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुअल पीरियड, उसके वो समय होता है। ये पेट की बीमारी है। सब तरह की जांच करने के बाद, सोनोग्राफी, एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, सब कर दिया, पूरा छान मार दिया, स्कैन्स कर दिया, तभी भी पेट में कुछ निकलता नहीं है, कुछ पैथोलॉजी निकलती नहीं, कुछ खराबी निकलती नहीं है। ना खून में कुछ खराबी है, ना पेट में कुछ खराबी है, ना लीवर में है, और तभी भी दर्द होते रहता है। दूसरा जो है वो फंक्शनल चेस्ट पेन है। फंक्शनल चेस्ट पेन, छाती में दर्द या सीने में दर्द, उसमें होता क्या है कि अन्न नलिका जो है, तो अन्न नलिका में दर्द होते रहता है निगलने के समय, खाना खाने के समय, खाना खाने के बाद, और दर्द होता है। कुछ लोगों को जलन होती है, बहुत जलन होती है, और कभी कभी उनकी जलन खाना खाने के बाद में ठीक हो सकती है या ठीक हो जाती है। सब तरह की जांच करने के बाद में इसमें कुछ निकलता नहीं है, मगर दर्द तो है, और वो व्यक्ति परेशान है। एक तो उसका जीवन जीने का जो दर्जा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ, वो कम हो जाती है। जिंदगी पूरी अच्छी तरह से जी नहीं सकता, काम बराबर नहीं कर सकता, उत्पादन क्षमता कम हो जाती, प्रोडक्टिविटी ऑफ लाइफ कम हो जाती, रिश्ते खराब हो जाते, खाना बराबर खाता नहीं है, कभी कभी वजन भी बहुत लोगों का कम हो जाता है, और जीवन जीने में उसको मज़ा आता नहीं है। डॉक्टर टू डॉक्टर घूमते रहता है, मगर फ़ायदा होते नहीं रहता। अभी इसमें देखना पड़ता है कि भाई इसमें साइकोलॉजिकल कॉज क्या है। यूजुअली फिजिशियन जो है वो उसको बोलते हैं, हाँ ठीक है, कुछ नहीं है खराबी, चलो ले लो दवाई, और दवाई दे देते हैं जो साइकेट्री की है, एंटी डिप्रेसेंट है, एंग्जियोलाइटिक है, मतलब चिंता कम करने की या डिप्रेशन कम करने की दवाई देते हैं, बोलते ठीक है चले जाओ, कुछ नहीं है। मगर फिर पेशेंट उनको पूछता है, कुछ नहीं है फिर है क्या? कोई झूठा थोड़ी है वो, झूठ थोड़ी बोल रहा है, कोई ढोंग थोड़ी कर रहा है वो, सच्ची दवाई हो रही, कुछ नहीं, कैसा क्या? तो जब पूछते हैं तो फिर वो बोलते कि चलो अभी जाओ साइकेट्रिस्ट के पास में, मनोविकार तज्ञ के पास में जाओ, फिर हमारे पास में आते हैं। नहीं तो हमारे पास में लोग आते नहीं, बोलते नहीं नहीं हम क्या पागल हो गए। मगर इसका साइकोलॉजिकल कॉज ये किसी को पता नहीं। फिर हम उनको देखते हैं, काउंसिलिंग करते हैं, और यूजुअली सबकॉन्शियस माइंड में क्या अंदर घुसा हुआ है, क्या बैठा हुआ है, वो उसमें निकालना पड़ता है साइकोथेरेपी में। अब सबकॉन्शियस माइंड में, अंतर मन में, उसके ये होगा, एक तरह का गुस्सा है किसी के प्रति, किसी के प्रति प्यार नहीं है, खुद के ऊपर प्यार नहीं है, फिर अपराधीपन की भावना है, गिल्ट फीलिंग है, कुछ तभी हुआ उसके बारे में गिल्ट फीलिंग है, बचपन में सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है, या फिर उसके दिमाग में यह है कि मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, मैं इतना काबिल नहीं हूँ, मेरे में इतनी क्षमता नहीं है, ऐसा दिमाग में कुछ तो भी चल रहा है अंदर, कॉन्वर्सेशन है, मैं लोगों से कम हूँ, कम बुद्धिमान हूँ, इतना स्मार्ट नहीं हूँ, फिर खुन्नस है कुछ लोगों के बारे में, रिवेंज है, सेक्स में कोई तो भी प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, माँ बाप के साथ में कोई अनबन है, या रिश्तेदारी में कुछ अनबन है, ये निकालना पड़ता है। और वो जब निकालते, उसका कनेक्शन जब जुड़ जाता है, और वो जब वो कंप्लीट करता है, उसके बारे में वो कॉन्वर्सेशन दिमाग में वो ठीक कर देता है, तो उसको अच्छा लगता है। तुरंत फ़ायदा देने के लिए हम उनको दवाई देते हैं, वो दवाई से भी पेट तो ठीक हो जाता है, मगर काउंसिलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि वो मूल से ही निकालने का है, सोर्स से निकालने का है वो दर्द, सोर्स से ठीक करना है, तो काउंसिलिंग, साइकोथेरेपी, फिर हिप्नोथेरेपी, सम्मोहन उपचार बहुत जरूरी है। सम्मोहन उपचार में उसको पीछे 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 ले जाते हैं कुछ साल पहले, पास्ट में, और पास्ट लाइफ रिग्रेशन करके वो निकालते हैं कि भाई हुआ क्या। ऐसे काफ़ी लोग होंगे कि जो लोगों को इसी तरह से प्रॉब्लम है, आपके आजू बाजू में भी लोग होंगे, मगर वो बोलते नहीं होंगे। आप ये जरूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो जरूर शेयर करो, आपके फेसबुक के ग्रुप के ऊपर, व्हाट्सएप के ग्रुप के ऊपर ये शेयर करो, ताकि लोग अपने अपने साइकेट्रिस्ट के तरफ जाके उसका इलाज कर सकते हैं, हमसे भी ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं हमारे से। हमारा जो मतलब है, मकसद है, मिशन है,
वह सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत। आप हमें जगह जगह भाषण देने के लिए बुला सकते हैं, लोगों को एजुकेट करने के लिए बुला सकते हैं, रोटरी क्लब हो, लायंस क्लब हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जो एजुकेशन है वो पहुंच जाएगा और वो लोग अपना जीवन अच्छी तरह से पावरफुली जी सकेंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकॉन आता है उसके ऊपर क्लिक करो, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहली बार आ जाए। हमारे यहाँ दो तरह के हॉस्पिटल है, एक हॉस्पिटल है जहाँ रिश्तेदारों के साथ में हम भर्ती करते हैं, दूसरा हॉस्पिटल रिश्तेदारों के अलावा भर्ती करते हैं, लोगों का इलाज करते हैं, वो रिहैब सेंटर है, पुनर्वसन केंद्र। तो इसमें आपको भी हाथ लग जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।